ठीक है अब ये कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग कैसे होता है ये इस चीज को हम देखते हैं ठीक है कैसे होता है ये? प्रोसेस क्या है इसके अंदर का ठीक है सो so इस ये कंज्यूमर ग्रुप रीबैलेंसिंग के लिए दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं पहला ग्रुप कोऑर्डिनेटर और दूसरा ग्रुप लीडर ओके सो हम इन दोनों की बात करते हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर ग्रुप कोऑर्डिनेटर और ग्रुप लीडर की अब ग्रुप कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं सो so, होता क्या है लेट सपोज कि किसी काफवा क्लस्टर में ठीक है बहुत सारे कंज्यूमर्स ने ज्वाइन किया है और उन सबका कंज्यूमर ग्रुप लेट सपोज सो लेट सपोज कि टोटल टेन कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जिसने किसी काफवा क्लस्टर को सब्सक्राइब कर रखा है टेन कंज्यूमर ग्रुप्स कंज्यूमर्स नहीं कंज्यूमर ग्रुप्स ठीक है और उस काफा क्लस्टर में लेट सपोज की तीन ब्रोकर थे ठीक है सो अब ये जो दस कंज्यूमर ग्रुप्स हैं इनको डिवाइड कर देते हैं लेट सपोज इनको डिवाइड कर दिया थ्री थ्री और फोर में ठीक है, so, ये जो सबसेट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स जो हमने अभी डिवाइड किए थ्री ठीक है टेन कंज्यूमर ग्रुप थे उनमें से तीन कंज्यूमर ग्रुप को उठाएंगे और हम किसी एक ब्रोकर को असाइन कर देंगे कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस कंज्यूमर ग्रुप को मैनेज करने के लिए ओके okay? सो so, क्या होगा कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं पहली बात ब्रोकर को कहते हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर ओके कौन सा ब्रोकर सो so, होता क्या है कि जितने भी कंज्यूमर ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं किसी काफका क्लस्टर में उसमें से कुछ सबसेट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं वो किसी ब्रोकर को असाइन होते हैं सो so, वो जो ब्रोकर होता है वो उस कंज्यूमर ग्रुप के लिए उन सारे कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए ग्रुप कोऑर्डिनेटर कहलाता है वैसे ही जो दूसरा सबसेट है उसके लिए ब्रोकर टू ग्रुप कोऑर्डिनेटर कहलाएगा और जो तीसरा सबसेट है कंज्यूमर ग्रुप का उसके लिए ब्रोकर थ्री कंज्यूमर ग्रुप कोऑर्डिनेटर कहलाएगा क्लस्टर आर असाइन एज अ ग्रुप कोऑर्डिनेटर फॉर अबसेट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप ठीक हैली अ लिस्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है सो ये, so, ये इन सारे कंज्यूमर जो सबसेट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स है इनको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन ग्रुप कोऑर्डिनेटर ओके अब ये बाकी के ये जो दो पॉइंट है आ, ये और ये नोट ये हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में ठीक है ग्रुप लीडर की बात करते हैं अब ठीक है सो ग्रुप लीडर किसे कहते हैं लेट सपोज किसी भी कंज्यूमर ग्रुप में लेट सपोज जो हमारा पहले वाला एग्जांपल था माय ग्रुप ठीक है माय ग्रुप एक कंज्यूमर ग्रुप है उसमें जो सबसे पहला कंज्यूमर ऐड होता है वही होता है ग्रुप लीडर ओके सो ग्रुप लीडर किसे बोलते हैं ग्रुप लीडर किसी कंज्यूमर को बोलते हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं वो किसी ब्रोकर को कहते हैं ग्रुप लीडर कौन सा कंज्यूमर होता है वो कंज्यूमर जिसने सबसे पहले किसी कंज्यूमर ग्रुप को ज्वाइन किया वो उस कंज्यूमर ग्रुप का ग्रुप लीडर हो जाता है ओके सो फर्स्ट कंज्यूमर टू द कंज्यूमर ग्रुप इज इलेक्टेड एज ग्रुप लीडर ओके अब ये ग्रुप लीडर के पास क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं सो ग्रुप लीडर हैज द लिस्ट ऑफ एक्टिव मेंबर्स उस कंज्यूमर ग्रुप में कितने कंज्यूमर्स हैं ये इसका इंफॉर्मेशन होता है ग्रुप लीडर के पास एंडलेक्टेड असाइनमेंट स्ट्रेटेजी मतलब कि जब वो रीबैलेंसिंग होगा तो कैसा assignment strategy रखना है उसका इंफॉर्मेशन भी ग्रुप लीडर के पास होता है ठीक है अब ये बाकी की ये बाकी जो दो हैं हैं इसको भी हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है अब बात करते हैं वॉट हैपन्स वेन अ कंज्यूमर ग्रुप जैसे ही कोई कंज्यूमर किसी कंज्यूमर ग्रुप को ज्वाइन करता है तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसकी बात करते हैं जल्दी से ठीक है सो so, देखो

to obtain the group coordinator which is responsible for its group okay pehla step ho gaya dusra jaise hi is consumer ko pata chal gaya ki okay this broker is responsible for the consumer group where i am trying to join okay to ab kya karega wahi consumer initiate करता है एक rebalance protocol। क्यों क्योंकि उस उस वो भी interested है इन topics में right? so, उसने एक rebalance protocol इनिशिएट uh, किया बाय सेंडिंग ज्वाइन ग्रुप रिक्वेस्ट अब ये सारी एपीआई कॉल्स फाइंड कोऑर्डिनेटर एपीआई कॉल है ग्रुप एक एपीआई ठीक है ये हो रिक्वेस्ट so, सेंड करता, करता है तो अब देखो ग्रुप कोऑर्डिनेटर क्या करता है ग्रुप कोऑर्डिनेटर तुरंत इनिशिएट कर देता है रीबैलेंस प्रोसेस कॉल को कंज्यूमर so, ने जैसे ही ज्वाइन ग्रुप रिक्वेस्ट भेजा उस ब्रोकर को ग्रुप कोऑर्डिनेटर को तो क्या किया उस ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने वो रीबैलेंस प्रोसेस कॉल उसने इनिशिएट कर दिया उसने इनिशिएट किया कैसे इनिशिएट किया उसने उसने ग्रुप लीडर को बताया कि ठीक है अब ये एक नया कंज्यूमर ज्वाइन हो रहा है ठीक है ये लो ये इस कंज्यूमर का इंफॉर्मेशन है और तुम अब ग्रुप को रीबैलेंस करो कैसे यूजिंग द असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है ठीक है सो अब ग्रुप लीडर क्या करता है दैट द रीबैलेंस प्रोसेस सो वो असाइनमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा उस पूरे रीबैलेंस प्रोसेस को ठीक है उस पूरे रीबैलेंस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और फिर जो जो पार्टीशन जिस जिस भी कंज्यूमर को असाइन हुआ वो वापस से ग्रुप कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देगा टू ग्रुप कोऑर्डिनेटर ओके जैसे ही असाइनमेंट इसका खत्म हुआ इसके पास आ गया सब कुछ इंफॉर्मेशन ओके okay, इसने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे पार्टीशन को ये वापस से ग्रुप कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देगा कि ओके दिस इज न्यू असाइनमेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस कंज्यूमर ग्रुप ओके अब जैसे ही ये ग्रुप ग्रुप कोऑर्डिनेटर को भेजता है ग्रुप लीडर सो so, ग्रुप कोऑर्डिनेटर क्या करता है ग्रुप कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेट करता है सारे जो नए असाइनमेंट है पार्टीशन के वो सारे कंज्यूमर्स को वो कम्युनिकेट कर देता है कि ओके दिस इज दी न्यू असाइनमेंट स्ट्रेटजी ठीक है जो आप लोगों को जो सारे कंज्यूमर्स हैं उनको ये इस पे एडहेयर करना है ओके सो so, ये कंज्यूमर को हुआ ये कंज्यूमर को ये सारे इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसमिट कर देता है सारे कंज्यूमर्स को अब ये खुद ट्रांसमिट नहीं करता है ये कंज्यूमर्स इनिशिएट करते हैं इससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ मुझे नया आ, नया पार्टीशन स्ट्रेटेजी क्या है वो कैसे वो पूछते हैं सिंक ग्रुप रिक्वेस्ट करते हैं सो so, क्या है अभी जो कंज्यूमर ने ज्वाइन ग्रुप रिक्वेस्ट इनिशिएट किया था उसके बाद वो सारा कांड हुआ उसके बाद क्या हुआ सारे मेंबर जो हैं उस कंज्यूमर ग्रुप के अंदर वो सब एक सिंक ग्रुप रिक्वेस्ट भेजते हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर को जैसे ही वो ये सिंक ग्रुप रिक्वेस्ट भेजते हैं वैसे ही जो हमारा ग्रुप कोऑर्डिनेटर है वो जो नए असाइनमेंट ऑफ पार्टीशन के साथ सारे कंज्यूमर्स को नोटिफाई कर देता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टीशन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टीशन एंड ऑल ठीक है अब जब ठीक है सारे कंज्यूमर्स ने अब ज्वाइन कर लिया कंज्यूमर ने ज्वाइन कर लिया इस कंज्यूमर ग्रुप को ओके okay? अब क्या होता है कि जितने भी कंज्यूमर सारे कंज्यूमर्स पीरियोडिकली हार्ट बीट भेजते रहते हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर को ये बताने के लिए कि यस आई 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 एम अलाइव एंड कैन प्रोसेस द रिकॉर्ड्स अगर आप मुझे असाइन करते हो कोई तो विल बी एबल टू प्रोसेस देम ठीक है सो ईच कंज्यूमर पीरियोडिकली सेंड्स हार्ट बीट रिक्वेस्ट टू ग्रुप कोऑर्डिनेटर टू कीप सेशन अलाइव ओके बात हमें समझ में आ गई ठीक है सो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व था अब ये देखते हैं नोट पॉइंट क्या है ग्रुप कोऑर्डिनेटर में सो अंटिल द री बलेंस प्रोसेस इज नॉट फिनिश्ड ठीक है जैसे ही री बैलेंस प्रोसेस इनिशियट किया था किसने कंज्यूमर ने ज्वाइंट ग्रुप रिक्वेस्ट भेज के तो अंटिल द री बैलेंस प्रोसेस इज नॉट फिनिश्ड द कंज्यूमर विद इन द कंज्यूमर ग्रुप जैसे ही कोई नया कंज्यूमर ज्वाइन कर रहा होता है वो सारी चीजें ब्लॉक हो जाती है कोई भी अब कोई कुछ कंज्यूम नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए और सारे ये जो रीबैलेंस प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे जब तक पूरी तरीके से रिबैलेंस नहीं हो जाता असाइनमेंट फिनिश नहीं हो जाता तब तक कोई भी अब कोई भी कंज्यूमर मैसेज कंज्यूम नहीं करेगा ओके okay? सो so ये नोट पॉइंट वही था ओके okay? सो so, हमने क्या सीखा कंज्यूमर ग्रुप के कॉन्सेप्ट सीखे हमने देखा ग्रुप कोऑर्डिनेटर क्या होता है कोई एक ब्रोकर होता है जो कंज्यूमर ग्रुप को मैनेज करता है उसे कहते हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर उसके बाद देखा हमने ग्रुप ग्रुप लीडर क्या होता है तो जो कंज्यूमर सबसे पहले ज्वाइन करता है कंज्यूमर ग्रुप को उसे कहते हैं ग्रुप लीडर ओके ये सारी चीज़ें देखी और हमने इंटरनल देखा कि क्या क्या एपीआई कॉल्स होते हैं ज्वाइन ग्रुप सिंक ग्रुप फाइंड कोऑर्डिनेटर ये सारे कॉल्स देखे सो so, ये था ओवरऑल कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट ठीक है इन सब पे हम जो एक्चुअल में डेमो में जब दिखाऊंगा एक वीडियो में कौन डेमो दिखाऊंगा इन सब चीजों का बाद में ठीक है चलो तब तक के लिए इतना ही सिया अ गुड डे